खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां बिरनो ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दिदोहरा में आज प्रधानाध्यापिका जेवा सबीर ने बच्चों को खाना बनाने के लिए रसोईया को मना कर दिया। इस मामले की जानकारी होने पर विद्यालय के सहायक अध्यापकों ने इसकी जानकारी पत्रकारों को दिया। तत्पश्चात पत्रकारों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी लेना चाहा तो वहां की जेवा सबीर ने सहायक अध्यापक सहित शिक्षा मित्र एवं रसोइयों के ऊपर मनमानी का आरोप लगाया। देखे गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। राकेश विश्वकर्मा। राकेश जी, आप दिदोहर विद्यालय प्राथमिक में खड़े हैं, क्या है समस्या यहाँ की? यहाँ का बहुत समस्या है सर। क्या क्या समस्या जी? यहाँ पर समस्या है, लड़कन का बढ़िया से पढ़ाई भी नहीं होती है। वो प्रोफेसर मैडम जी है, कोई सिस्टम नहीं देती है बनाने के लिए, ना खाना देती है, ना कुछ नहीं देती है। आप ग्रामीण है? हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ बखर है बगल में। आप लोग इसकी शिकायत कहीं नहीं किए हैं? आप लोग पेरेंट्स हम लोग शिकायत करते हैं। एक बार हम लड़के एक बच्चों के लेकर नाम लिखवाने लेकर आए थे, बोले कि बच्चों का नाम नहीं लिखाएगा, यहाँ 5 साल के नीचे का लड़के का नाम लिखाता, ऊपर का नहीं लिखाता। पता चल रहा है कि लोग विवाद कर रहे हैं आपस में, क्या बात सही है? अब विवाद कर रहे हैं, अब उसके लिए हम नहीं बता पाएंगे क्यों उनके कारण विवाद हो रहा है। ठीक। मंजू देवी गोड़। ये कौन सा विद्यालय में है आप? प्राइमरी विद्यालय है। क्या है मामला? मामला रोज कुछ ना कुछ अपने में झगड़ा करेंगे रोज सब हेडमास्टर और कौन झगड़ा करती हैं? हेडमास्टर हैं और क्या नाम बाकी है? हेडमास्टर क्या नाम है? जब्बा सबीर। अच्छा, जब्बा सबीर। हाँ। किससे झगड़ा करती हैं? कभी सरोज भारती हैं, कभी विजेंद्र मास्टर, कभी पद्मा, ये लोग सब अपने में झगड़ा करेंगे। और जब झगड़ा हो जाएगा तो हमने को कहेंगे चाय उनके लिए मत बनाइए, उनके लिए पानी मत दीजिए, उनके सामने खड़ा मत, उनके सामने बैठेंगे पंचायत काम किस हम रसोईया के काम पर। तो आज क्या हुआ, खाना बना है? नहीं बनाया। खाना नहीं बना है? नहीं, सुबह आए 7:30 बजे तो कह रहे हैं खाना नहीं बनेगा, झाड़ू मत मारिए। तो हम लोग बोलेंगे पर्सनल मैडम और सब मास्टर और टीचरों में विवाद के कारण? हाँ, विवाद के कारण हो रहा है सब। तो नोटिस किस लिए दिया गया आपको? एक दिन जैसे कि मैडम हम लोग आए काम किए सब झाड़ू मारे सब काम कर दिए, साढ़े दो से कुछ करीब में हो गया, 9:30 करीब तो कह रहे हैं कि जाइए यहाँ जरूर नहीं खाना बनाने के लिए। तो हम लोग चले गए। इसके लिए आपको भी खंड शिक्षा अधिकारी या बेसिक साहब से किसी से कही है आप? अब तो हम लोग ये बात के लिए फिर सुबह हम लोग दूसरा दिन आए तो कह रहे हैं कि आप लोग खाना नहीं बनाइए, MDM 0 गया। हम कहें ठीक है, हम लोग से कुछ नोटिस मांगे मैडम जी। बच्चे क्या खाएंगे आज? अच्छा, हम तो नहीं पता मैडम, मैडम जी क्या खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे वो मैडम जी जाने। कौन सा दिन है और क्या 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 बनने वाला आज? तारी आज स्कूल बार का दिन है। इस हफ्ते में कितने दिन खाना नहीं बना है इस विद्यालय में? आज नहीं बना है और 3 दिन पहले नहीं बना, 2023 में, आज एक दिन 2017 में नहीं बना। अच्छा, उस समय बना, आज मतलब नहीं बना है? आज नहीं बना। तो इसकी सूचना किसी जिम्मेदार अफसर को है? हाँ, हम लोग गए थे बोले तो वहाँ से वो लोग कहें कि जाइए प्रधान जी को बोल दीजिए कि खाना ताला खोलें और खाना बने। तो प्रधान जी आए, ताला खोला है, 3 दिन के बाद खाना बना, अब तक से बन रहा था, फिर आज बंद हुआ। चलिए ठीक, धन्यवाद। मंजू देवी क्या करती हैं इस विद्यालय? कौन सा विद्यालय है? प्राइमरी दिदोहर। दिदोहर में क्या समस्या है मैम? सर, समस्या ये बा कि कितनों काम करल जाए, कहीं कि दोनों का मन ना लगा था, काम कर ली, कुल काम कर ली, कब लाइटिंग में पानी उनी वो समय बाजल अंजा रखवाए, कहें ना रखी जा तो करी खत्म कौन सा है? रसोईया है और लैट्रिन में पानी आ रखी है? रखी ना जा, बच्चन से पूछ नहीं। कौन कौन कहता है रखने के लिए? प्रिंसिपल मैडम कहें। क्या नाम है प्रिंसिपल मैडम? जेवा सबीर। जेवा सबीर। हाँ, आखिर क्या कारण है, आज खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब सर, अब तो जनिए ना, अब तो काल मान लिया मन का बनी जा, खाना बना के कुल काम कह के चल बनी जा, अब कहे ना बनोला ही लिया जा, स्कूल में 7:30 बजे कह थे कि खाना ना बनी तो लोग जा जा, तभी आके झाड़ू लगौनी है जा। रसोईया ने कहा है कि आपस में लोग विवाद करती हैं, मास्टरों से टीचर से लड़ती हैं, क्या मामला है इसका? क्या सब स्कूल में मतलब जितना जनवाणा जो उतना जन से विवाह कर ली, आखिर क्या कारण है? कारण अब सर ये कुल कारण ही है, लोग ना जनिए बच्चों पर कितना असर जाएगा अगर विवाद करेंगे तो? हाँ सर, बच्चे लोग बताओ सर जेबे करी बच्चा पढ़ाते हैं कि गांव का झगड़ा करने आते हैं लोग? हमेशा कचकच हुई, हमेशा झगड़ा कचकच हुई सर। इसके लिए कभी आप अधिकारी को कहीं हैं? BRC गए नहीं जा मन का सर। अच्छा, हाँ 3 दिन बंद रहे ना तो वैसे में गए नहीं जा। ठीक ठीक। हाँ सर। सर, दिदोहर ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय पर प्रधानाध्यापिका का रवैया ठीक नहीं है, वो आपसी मामले में विवाद चल रहा है, क्या इस मामले की जानकारी है? इस मामले की अभी तो जानकारी नहीं है। इस तरह की यदि बात है तो मैं स्वयं उस विद्यालय का निरीक्षण कर लेता हूं और तथ्य जो है सामने खुलकर आ जाएगा। लगातार ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिल रही थी कि मेटले मीट का वहां भोजन नहीं बनता है, रसोइयां जो हैं कि त्रस्त है प्रधानाध्यापिका से, इसके बावजूद वहाँ मौके पर देखा गया कि नहीं, वहाँ जो अध्यापिका हैं अध्यापक हैं उन लोग भी त्रस्त हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अब इस पर तो मौके पर मैं
जाकर के स्वयं जांच करूंगा और जांच करने के बाद ही तथ्य का पता लगेगा। फिलहाल आपकी जो शिकायत है इसके क्रम में हम पत्र भी यहाँ से जारी कर देते हैं प्रधान अध्यापिका को कि आप अपना स्पष्टीकरण तत्काल दें। एमडीएम की परिस्थितियों में डिस्टर्ब हो रहा है और बच्चों को सही रूप से क्यों नहीं मिल रहा है इसका स्पष्टीकरण के लिए पत्र मैं जारी कर रहा हूँ। करने के बाद फिर पुनः मैं जांच स्वयं स्थलीय भी कर लेता हूँ। यदि इस तरह की बात पाई जाती है तो निश्चित रूप से प्राथमिक विद्यालय दिदोहर में जो सहायक अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, इन सभी लोगों द्वारा आप तक, बेसिक शिक्षा अधिकारी तक इस मामले को विगत वर्षों से अवगत कराया जा रहा है कि ये दुर्व्यवहार कर रही हैं, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? पिछले बार जब भी हमें वहाँ की शिकायत मिली थी मैं वहाँ स्वयं गया था। जाने के बाद सब लोगों को समझाया बुझाया कि आपस में शैक्षिक कार्य से इतर जो कोई कार्य होगा तो निश्चित विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। तब से तो कोई इस तरह की वैसी घटना हमें संज्ञान में नहीं आई। इस पुनः मैं वहाँ जा कर के जाँच कर लेता हूँ। यदि इस तरह की घटना संज्ञान में आती है तो मैं पुनः उन सब लोगों को बुला करके पूछूंगा, उन लोगों का स्टेटमेंट भी लूँगा। लेने के बाद तब जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी मैं अपने विभाग को एक स्पष्टीकरण के बाद विभाग को भी लिखूंगा। यदि दोषी जो पाया जाएगा उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। वहाँ रसोइयाँ मौजूद हैं, कार्य करती हैं, उनको दोष मुक्त कराया जा रहा है जबरदस्ती प्रधानाध्यापिका द्वारा। यही नहीं, उनकी बच्चे का पैंपर्ड भी फेंकवाया जाता है और शौचालय पे जो उनकी लड़की शौचालय करती है उसको साफ सफाई भी रसोइयों द्वारा करवाया जाता है। क्या इस मामले का आपको जानकारी है? अब इस मामले को तो हमें जानकारी नहीं है, न तो कभी रसोइया इस तरह की बातें कहीं न लिखित में दी। यदि इस तरह की बात है तो तथ्य सामने आता है तो कार्रवाई होगी। ये तो नहीं कोई करा सकता है भाई, पठन पाठन के अलावा अपना निज का काम नहीं करा सकता। चाहे रसोईया बच्चों खाने के लिए हैं, बनाने के लिए बच्चों के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना निज का काम कराएं, स्वयं का काम उससे कराएं, ये नहीं है। यदि ऐसी पाई जाती है स्थिति, उन लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है, शिकायत सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से विभागीय नियमों के तहत उन पर कार्रवाई होगी।